पहले उनकी श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ, आप सबको वंदन नमन प्रणाम करता हुआ और मेरे से पूर्व बनता जो मूल थे उनको सबको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात शुरुआत करता हूँ। मैं अभी सुन रहा था सब लोगों के अनुभव संस्मरण जो बाबू जी के संबंध में उदाहरण व्यक्त किए गए। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि बाबू जी ये जो जिसने बोला उनकी सबकी बातें सही होने के बावजूद भी बाबू जी इन शब्दों से बहुत ऊपर थे। जिस जिसने जो जो बोला वो सबसे बहुत ऊपर बाबू जी थे। ये हमको और उनके उनका देश के लिए त्याग और समर्पण, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बलिदान रहा है, उस पार्टी को उस विचारधारा को स्थापित करने में जो अपना सब कुछ उन्होंने समर्पण किया उसको कोई शब्दों से नहीं छोड़ा जा सकता, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा, ये हिंदू समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा। मैं बाबू जी के पुण्यतिथि आज है, आज के दिन मैं इस समय उनकी मृत्यु हुई, उनकी पार्थिव शरीर अलीगढ़ आया और अलीगढ़ से उनकी जो अंतिम यात्रा निकली राजघाट तक 35 किलोमीटर तक लंबी यात्रा और रोड के दोनों ओर उस यात्रा में उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की जो भीड़ का तांता लगा देखा मैंने, लाखों लोग दोनों तरफ रोड के 35 किलोमीटर तक खड़े थे। मुझे खुद में आश्चर्य हुआ कि इतना जबरदस्त बाबू कल्याण सिंह जी के प्रति समाज का समर्पण श्रद्धा और उनके चेहरे बता रहे थे उनका कितना बाबू जी के लिए लगाव या बाबू जी का बाबू जी ने कैसे जोड़ा होगा इतने बड़े समाज को। मुझे खुद में बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मैं उसका खुद का मैं भी गया था उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। तो कुछ एक बातें उनके मुख्यमंत्री काल की थोड़ा सा साझा करते हुए बात को समाप्त करूंगा। बाबू जी राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, आंदोलन में उनकी भूमिका रही और जैसा उन्होंने पूरे प्रदेश का नेतृत्व